Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. तो भाई स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं खेलने वाला हूँ शिनचैन गेमिंग का सोलो लावालैंड टूर्नामेंट। तो भाई इस टूर्नामेंट की दो खास बात है। पहली बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लावालैंड आएगा हर राउंड के अंदर, मतलब तीनों फेज तक लावालैंड आएगा बस। और दूसरी खास बात ये कि भाई इसके अंदर सारे स्पेशल इमोट बैन है भाई। ये तो बहुत अच्छी बात करते हैं भाई शिनचैन गेमिंग ने ऐसा बैन करके लोग सबको। तो भाई देखते हैं अभी ये बैन होने के बावजूद भाई मैं कितने आगे तक जा पाऊंगा। पिछले वाले टूर्नामेंट तो भाई मैं फेज 3 तक गया था, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाऊंगा इस टूर्नामेंट के अंदर अभी। और आज मैं यहाँ पर लावालैंड आ गया है, पहले राउंड के अंदर आ गया भाई। और पूरे टूर्नामेंट को लावालैंड आएगा और हम लोग कितने 4 लोग स्पेशल स्किन वाले हैं भाई यहाँ पर। और दो की सेम है, दो की अलग है, देखते भाई यहाँ पर मैं कैसे खेलने का, यहाँ पर आराम से खेलूंगा इस तरफ। और लावालैंड अभी अभी नया नया है तो भाई मेरे को जम नहीं रहा खेलने के लिए जरा भी। और पहला प्लेयर गिर भी गया भाई, पहला प्लेयर गिर भी गया बहुत गंदे तरीके से। और ये 8 राउंड है तो भाई 8 में से अगर मैं 2 में भी एलिमिनेट होगा तो भाई 6 में क्वालिफाई करके आगे अगले वाले फेज में जा सकता हूँ। तो भाई मैं ट्राई तो करूँगा एक भी एलिमिनेट ना हो, लेकिन भाई आपको पता ही कि क्या हगना शुरू करता हूँ तो भाई फिर एकदम टूर्नामेंट हग देता हूँ पूरा। मैं हर टूर्नामेंट में था भाई, हर टूर्नामेंट में था मेरे साथ। बस पिछले वाले में फेज 3 तक गया था 1v1 एशिया टूर्नामेंट के अंदर। तो भाई आज देखते हैं शिनचैन वाले में। भाई मेरे को शिनचैन वाला टूर्नामेंट जीतना भाई, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा प्राइज पूल रखा है इसने, इसका कुछ 5 लाख जेम्स है इसके प्राइज पूल के अंदर। यहाँ पर अभी आराम से खेल, गिर मत भाई गिर मत, अरे कहाँ बचा भाई, अरे वहाँ पर जमीन थी और मुझे देख के खेलना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। आजा भाई आजा आजा था, बहुत गंदी डाइव मारा यहाँ पर मैंने। ये हमेशा का भाई, इसे डाइव मार तो फिसल के पूरा उस तरह भी गिरता है। और यहाँ पर मैंने डाइव भी गलती थी यहाँ पर मार दिया था। और अच्छी बात इसके अंदर पंच और किक नहीं, तो भाई अभी तक मैं एलिमिनेट हो गया होता सबका, दूसरे लोग का लात घूसे खाकर। तो यहाँ पर यार भाई फिर पीछे गिरा मैं, और अच्छी बात वहाँ पर जमीन थी पहले से। यहाँ पर अभी अरे पीछे चलो भाई, दूर रहो लोग से, नहीं तो भाई धक्का देके गिरा देंगे ये लोग। और पहुँच गया, चलो इसके ऊपर पहुँच गया। और अभी कहाँ दे रहा है वो, उस तरफ भाई उसी तरफ दे रहा है यार, उसी तरफ दे जा रहा है। यहाँ पर एक जमीन दे दे यार, यहाँ पर एक टाइल दे दे खेलने के लिए, वहीं पर कूद के जाना पड़ेगा शायद पूरा। और चढ़ जा भाई चढ़ जा, अरे भाई क्वालीफाई कर गया भाई, चलो पहले राउंड में क्वालीफाई कर गया मैं। और सारे के सारे शायद स्पेशल देखो, सबके सब जितने भी स्पेशल स्किन वाले थे उन लोगों ने क्वालीफाई करा बस पहले राउंड के अंदर, देखते भाई सेकंड राउंड में क्या होगा अभी। और यहाँ पर दूसरा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट तो नहीं हुआ वैसे लेवल लग चुकी है। और जब सिर्फ लावालैंड आने वाला है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई स्क्रीन इतनी घुमाता का लिए, मैं लोडिंग स्क्रीन का टाइम क्यों लगाता है इतना। ये जब इसको एंड में आकर लावालैंड ही देना है तो भाई टाइम पास क्यों करते थे, लावालैंड चालू कर दे डायरेक्ट। लेकिन भाई साहब पहले मैप लोड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पहले भाई गेम पे ध्यान दो। अभी यहाँ पर आराम से लो भाई पीछे चलो आराम से, और मछली उड़ के आ रही है भाई। और मछली के ऊपर अगर जंप कर सकते ना भाई और मजा आती, उसके ऊपर जंप मार के खेलते सब लोग, स्टंट मार के खेलते उसके अंदर। और ट्रिक अलग ही बताती कि भाई इसके ऊपर कूद के इधर जा सकते उधर जा सकते, सब होता ना भाई मजा आती एकदम। मछली ना ऐसा मैप के बीच में से कूदते हुए जाना चाहिए तो और मजा आती है, सब मछली समझ के भागो ये वो। एक प्लेयर गिर गया, तीन गिर गया भाई, तीन गिर गए, तीन लोग एलिमिनेट होकर मैं देखा। अरे मैं भी जा रहा हूँ भाई, मैं भी एलिमिनेट होना ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा नेट लग खा रहा है यार, दो बार नीचे फेंक दिया मेरे को इसने। अबे यार से लावा में घुसा दिया मुझे, नेट लग खा रहा है यार कितना गंदा वाला। और देखो पिंग एकदम कम है लेकिन फिर भी नेट लग खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है इस लेवल के राउंड के अंदर भाग यार। और आ चुका यहाँ पर तीसरा राउंड अपना। और भाई पिछले राउंड में तो नेट लग ऐसा गंदा खाया ना, मैं दो बार ऊपर चढ़ा साले कुत्ते ने मेरे को दो बार नीचे गिरा दिया नेट लग होने की वजह से। तो यहाँ पर वापस से अभी 4 लोग स्पेशल स्किन लेकर आए, देखते हैं भाई हम 4 क्वालीफाई कर पाता हूँ कि नहीं, बाकी करें ना करें मेरे लिए अच्छा, अगर नहीं कर पाएंगे उन लोग तो उन लोग के पॉइंट कम होंगे, मेरा ज़्यादा अच्छा क्वालीफाई होने का चांस बढ़ जाएगा। और अभी 2 ही राउंड में जिसमें से एक मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ ऑलरेडी मैं, तो मेरे को बाकी बचे हुए राउंड में क्वालीफाई करना पड़ेगा। और शायद मेरे को पहचान गया यार, मेरे को पहचान गया शायद ये, या तो फिर ऐसे टाइम पास के लिए हंसा मुँह बना रहा होगा सबको दिखाने के लिए कि चलो भाई गिरा भाई एलियन, बहुत गंदा गिरा भाई एलियन, बच सकता भाई ये नहीं बच पाएगा भाई, नहीं बच पाएगा उसके ऊपर एकदम आसपास जो टाइल खड़ी कर दिया था इसके उसके मुँह के सामने एकदम, तो इसलिए ऊपर ही नहीं आ पाता, उसका चांस ही खत्म हो गया था एकदम। और गेम के अंदर ये बहुत खराब चीज़ लगती है मेरे को कि भाई डाइव मारते ना तो भाई ये फिसल के पूरा पीछे आके गिरता है और सही भी नहीं होता जल्दी से। और देखो वहाँ पर वो स्पेशल स्किन वाला गिर गया शायद, वो ड्रैगन लेके खेल रहा था, हाँ गिर गया वहाँ पर पीछे। तो अभी 2 लोग एलिमिनेट हुए, 2 लोग और एलिमिनेट होंगे तो भाई मैं क्वालीफाई कर जाऊँ। अरे भाई एक और गिरा शायद, एक गिर जाएगा, नहीं भाई नहीं गिर, मैं गिर गया यार, अबे यार भाई गया ये टूर्नामेंट गया मेरे हाथ से, गया खत्म हो गया भाई, अब बचा ही नहीं कुछ बात। और आज का 4th राउंड, तो भाई अभी तक मैंने बस 3 राउंड खेला हूँ जिसमें से मैं 2 में एलिमिनेट हो चुका हूँ और 1 में क्वालीफाई कराऊँ। और अभी जो ये 5 राउंड बचे हुए ना भाई, मेरे को 5ों में क्वालीफाई करना है अगर मेरे को सेकंड फेज में जाना है, तो नहीं तो भाई मैं पक्का बाहर हो जाऊंगा इसके अंदर से। तो और मुझे पता भी नहीं कि टॉप कितने प्लेयर को आगे भेजेगा, 100 लोग को आगे भेजता है नॉर्मली, तो भाई 100 लोग के अंदर भाई अगर मैं 5 मैच भी जीता रहूँगा तो मुझे बाहर फेंकेगा, मुझे पक्का यकीन इस बात पर कि भाई बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इसके, एक ही बार मेरे को बस अंदर लिया था वो रेजू गेमिंग वाले टूर में, हाँ रेजू गेमिंग वाले के टूर में एक बार बस अंदर लिया था उसने मुझे, बाकी भाई हर बार मुझे बाहर ही फेंक देता है वो। और अब मुझे ना भाई बाकी के जो 5 मैच हैं इसके अंदर क्वालीफाई करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके, पहले से दूर दूर रहूँगा तो ताकि मैं धक्का लेके ना गिर जाऊँ। 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं भाई, ये तीसरा भी होगा शायद, तीसरा भी होगा, नहीं भाई बच के आ गया ऊपर वो, 2 ही लोग एलिमिनेट हुए अभी तक का, वैसे भी चलो अच्छी बात है आराम। ए भाई ज़मीन ऊपर आ गई, मैं अभी डाइव, अगर मैं डाइव मारा होता ना भाई सीधा लावे में गिरा होता जाकर, अच्छी बात है वहाँ पर डाइव लगी ही नहीं मेरे से।
और यहाँ पर तीन लोग हो चुके हैं एलिमिनेट, तीन लोग हो गए एलिमिनेट। मेरे को लगा मैं गिर जाऊंगा लेकिन चढ़ गया इसके ऊपर, और अब पीछे आना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे हाथ में तो टाइल दे ही नहीं रही है। आराम से भाई, आराम से, आराम से। और एक दिन गिर जाओ भाई प्लीज़, एक दिन गिर जाओ। कोई तो एलियन गिर गया, एलियन गिर गया, एलियन गिर गया वहाँ पे से। एक नंबर, चलो भाई दो राउंड क्वालीफाई करो अभी तक मैंने चार राउंड खेलकर, और अभी चार राउंड जो बचे ना भाई, चार राउंड में मेरे को क्वालीफाई करना है भाई। और शुरू हो चुका पाँचवा राउंड यहाँ पर, जिसमें भी मेरे को क्वालीफाई करना है किसी भी हालत में। इसमें अगर पंच होता ना भाई, मैं पंच मार दिया होता एक हाथ को तो। लेकिन भाई अरे वही प्लेयर वापस आ गया भाई, वही प्लेयर वापस आया यहाँ पर। वो ए वी किंग्स लिखा हुआ, जैसे ए वी किंग्स ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ, वो पहले भी आ चुका है एक बार आया, दो बार आया मेरे को पता नहीं। और धक्का दे रहा भाई, धक्का दे रहा, हाय हेलो लिख के धक्का दे रहा पता। ए भाई पिसल मत यार, एक तो वैसे मेरी पुंगी बजी हुई है टूर्नामेंट के अंदर, यहाँ वाले पहले दो राउंड हार गया तीन में से। अभी पाँचवा चालू है तो दो ही बार क्वालीफाई करो, दो बार। ए क्या गोल गोल घूम रहा भाई, टेक्नो मार रहा वहाँ पर, वो नाच रहा वहाँ पर मतलब। और ये फंस गया भाई, वो फुटबॉलर फंस गया वहाँ पर। आ सकता है ऊपर वैसे, वो आ सकता है अगर खेलेगा अच्छे से तो, लेकिन नहीं आ पाया भाई, एलिमिनेट हो गया वहाँ पर। वो कूदा ही नहीं भाई, ट्राई किया होता तो आ गया होता अभी तक ऊपर, लेकिन उसने ट्राई ही नहीं करा जरा भी। यहाँ पर भी ऊपर जाएंगे इसके ऊपर आराम से भाई, इजी पूरा टूर्नामेंट चल रहा है अभी तक तो। दो लोग एलिमिनेट हो गए, दो लोग एलिमिनेट होना बाकी है, और फटाक से दो लोग हो जाओ भाई, हो जाओ ना यार। क्या एक गिरा, चलो भाई। अरे भाई क्या गंदा प्लेयर गिर गया, वो अच्छे से खेल रहा था ये, पता नहीं कैसे गिर गया। और अभी मैं भी जाऊँगा, पीछे कूदना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अरे डाइव मत मार गया भाई, खत्म 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 भाई खत्म। कहीं पर एक टाइल दे दे यार कूदने के लिए, कोई रास्ता बचा ही नहीं यहाँ पर। और वो अरे भाई वो रास्ता है, वो रास्ता है वो, ये एक नंबर भाई, थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई, ये बी एक चिली ने बचा लिया भाई, नहीं तो भाई एलिमिनेट हो गया होता। मैं ध्यान ही नहीं देता इस तरफ भी है कूदने वाली टाइल। यहाँ पर भाई कितने, तीसरे राउंड में क्वालीफाई, चार राउंड क्वालीफाई कर चुका अभी तक मैं, ये पाँचवा था अभी, पता नहीं कितने देखना पड़ेगा जाकर। तो अभी शुरू हो चुका मेरा छठा राउंड, जिसमें से भाई मैं तीन में क्वालीफाई कर रहा हूँ, दो में एलिमिनेट हुआ, और ये मेरा छठा राउंड है अभी। देखते इसके अंदर क्वालीफाई करता हूँ एलिमिनेट हो जाता हूँ, क्वालीफाई करना ही पड़ेगा मुझे भाई, नहीं तो भाई अगर एक भी मैं एलिमिनेट हुआ ना भाई, तो आपको पता ही है कि कैसे पाँच पाँच पॉइंट वाले को ऊपर रखेगा और मुझे फेंकेगा 200 नंबर के बाहर सीधा। हो चुका भाई मेरे साथ, हर बार होता है मेरे साथ ऐसी, कि मेरे को एकदम आखिर में रखता है, एकदम आखिर में रखता है, एकदम कम पॉइंट वाले एकदम पीछे रखेगा, 50-60 लोग के पीछे फेंकेगा मेरे को एकदम। और ये हड्डी तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं रहता, अच्छा हुआ गिर गया वहाँ पे भाई। हिलो ना जरा, हिलो, तुम्हारे पीछे टाइल निकली तो कूद के पीछे हटो, हटती नहीं भाई सामने से, खड़े रहेंगे एकदम पुतला बन के खड़े रहेंगे एकदम, कि भाई एफ के हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं फिर। और यहाँ पर ये स्किन का एक नंबर लग रही भाई मेरी, कल ही अनलॉक हुई है, एक दो दिन पहले अनलॉक हुई है ये। यहाँ पर अभी ये धक्का दे रहा भाई, पांडा धक्का दे रहा है, और ये BXCL आ चुका भाई, BXCL को मैं देखा ही नहीं, यहीं पर खड़ा है। मैं धक्का मत दे देना प्लीज़, पिछला राउंड 3 बजे से जीते थे हम लोग, मतलब मैं क्वालीफाई करा था। अगर ये कूदा नहीं होता ना भाई, मैं खड़े रह गया रहता एक जगह पर, एलिमिनेट हो गया था। लेकिन भाई ये कूदा तो मेरे को रास्ता दिख गया वहाँ पर, अच्छी बात है। और बस यहाँ पर अभी भाई भाई क्या गिरते गिरते बचा, वो क्या गिरते गिरते बचा है वहाँ पर, सही खेला भाई, बहुत सही खेला इसने। और बस कितने भाई, दो ही लोग एलिमिनेट हुए यार, मेरे को लग रहा है मैं जाऊंगा, मेरे को लग रहा है मैं एलिमिनेट होने वाला, ऐसा पूरी फील आ रही है मेरे को, क्योंकि ना मैं तीन राउंड लगातार क्वालीफाई कर रहा, तो भाई एक राउंड एलिमिनेट होना मेरा बनता ही बनता है ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर गया ना मैं, तो भाई मैं फिर उम्मीद ही छोड़ दूंगा पूरी, कि कुछ होगा आगे अच्छा। और यहाँ पर इतना दूर दूर उठा रहा है वो टाइल, और वापस इतना दूर उठा है भाई, कूद के हटो ना यार, हटो ना सामने से, और अब वहीं पर जाना पड़ेगा कूद के। और अभी शायद है ना क्रैक टाइल आने वाली है, क्रैक लगी हुई टाइल आएगी अभी। और आगे भाई कितना पीछे फेंका उसने, और चलो क्वालीफाई होगा अच्छी बात है भाई, वहाँ पर नाचना ही नहीं पड़ा जाकर। तो भाई छः कितने अभी, चार राउंड क्वालीफाई कर गया मैं भी, देखते भाई बाकी के दो राउंड में क्वालीफाई कर पाता हूँ कि नहीं अभी आगे। और आ चुका अपना सातवां राउंड आ गया है, बस ये दो राउंड बचे एंड वाले भाई, इसमें दोनों में क्वालीफाई करना मुझे कोई भी हालत में, तभी जा पाऊंगा फेज टू में मैं, नहीं तो भाई नहीं जा पाऊंगा। और मैं बहुत बार हर राउंड में ये बात बोले जा रहा हूँ, पता नहीं कहीं के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ शायद। यहाँ पर आराम चढ़ गए ऊपर, और पहला प्लेयर, अरे भाई क्या बचा गया, जाएगा जाएगा, अरे बच गया यार, बच गया। वो एलिमिनेट होता क्या अच्छा लगता है यार, पहला प्लेयर एलिमिनेट हो जाता ना अच्छा लगता थोड़ा, फिर जान में जाना था कि चलो भाई तीन लोग और एलिमिनेट होंगे तो अपन क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन भाई एक भी चन नहीं हुआ है, और अभी तो चालू हुआ भाई, अभी तो चालू हुआ है। इसके अंदर मजा कब आती है, जब ना वो क्रैक वाली डायल पे कूदते ना बस, तो भाई तब असली मजा आती है खेलने की इसको, क्योंकि भाई उससे पहले ज़रा मज़ा नहीं आती। वो जब वो आना चालू होता है, जब कूदते डर के मारे सब इधर से उधर कूदना शुरू करते, तब और मज़ा, एक इतना दूर फेंक रहे रे उसके पास, मेरे बाजू में लेके आ गया वो, जान दो कोई बात नहीं, यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर आसपास कूदेंगे, दूर नहीं कूदेंगे ज़्यादा। पता चला भाई डाइव मारा, फिसल के गिर गया लावा के अंदर, और खत्म हो गया गेम। यहाँ पर डाइव मारनी पड़ी, गिर मत भाई, चलो खड़ा, देखो कैसे खड़ा हो जाता है ये, और देखो कोने में गिर गया BXCL, अब ऊपर नहीं आ पाएगा वो बेचारा प्लेयर भाई। उसकी वजह से मैं एक राउंड में क्वालीफाई कर पाया था, वो क्वालीफाई नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और एलिमिनेट भी हो चुका है यहाँ पर, एलिमिनेट, गिर मत भाई, गिर मत, अच्छी बात है, यहाँ पर टाइल आ गई। और अभी कूद के उस तरह जाना पड़ेगा, और भाई दो लोग बचे भाई, फटाक से एलिमिनेट, ये जा रहा है, ये प्लेयर जाएगा, ये करके आ रहा है नीचे, ये करके आ रहा भाई नीचे, और ऊपर आ रहा है शायद, नीचे से ऊपर आ रहा है अभी भागते हुए, और आ गया भाई, आ गया आ गया, उसको शायद रास्ता भटक गया था वो थोड़ा, आगे पीछे कूद गया जाकर, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपन कोने में, मैं भाई यहाँ पर ब्लॉक दे, चलो यहाँ पर ब्लॉक दे रहा है, अच्छी बात है, और बीच में दिया इसने, अच्छी बात, चलो यहाँ पर, अरे भाई एकदम मेरे मुँह के सामने खड़ा गया था, आराम से भाई आराम, ए हटो यार, हटो हटो सामने से हटो, एक जन गिर जाओ, कोई एक जन, चलो एक जन गिर गया भाई, एक जन गिर गया, चलो चार लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए,
और यहाँ पर अपने जितने पांचवें राउंड में मैं क्वालिफाई कर गया, बस एक राउंड और क्वालिफाई करना मुझे भाई, बस एक राउंड और क्वालिफाई करना, देखते भाई कर पाता हूँ कि उसको मैं। और आ चुका है अपना ये आठवां राउंड आ चुका है, इसके अंदर मुझे क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि भाई एकदम अच्छा टूर्नामेंट किया मेरा अभी तक का। स्टार्टिंग में दो मैच एलिमिनेट किया बस मैंने, और बाकी तो भाई पूरा टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है अभी तक का। इसमें अगर क्वालिफाई कर गया तो भाई फेज टू में पक्का हो जाएगा मेरा, मतलब सेलेक्ट हो जाऊंगा फेज टू के लिए पक्का एकदम। और अभी दूर दूर रहना पड़ेगा, लोग थोड़ा धक्कम धुक्की ना दे दे ये लोग। और यहाँ पर ब्लॉक भी एकदम ढीले ढीले दे रहा है, मतलब दूर दूर दे रहा थोड़े मैं फ्लोर। अरे भाई गिर मत यार, मैं बोला गिर जाऊंगा, चलो बच गया, लेकिन आराम से कूद के पीछे की तरफ आऊँगा। अभी ईजी है भाई, ईजी है, पूरा मैप ईजी है, बाजू में चल देंगे अभी आराम से। और अभी कहाँ देगा भाई, कूद के आना पड़ेगा उस तरफ, अभी बाजू में जाएंगे आराम से एकदम आराम से। एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ है भाई, प्रोलो अभी दे देगा इसने अचानक में एक राउंड में। अरे क्या हटो ना यार, हटो, हटते भी नहीं भाई ये लोग, हटते भी नहीं यहाँ से, हटेंगे तो आगे बढ़ूंगा ना अच्छे से एकदम। और वहाँ पर कूद के आना पड़ेगा मुझे भाई, पहुँचे, चलो पहुँच गया, पहुँच गया। अरे चलो वो गिरने वाला था भाई, मैं हटा नहीं होता ना, गिर गया होता, वो प्लेयर गिर गया था वहाँ पर, प्लेयर गिरा गया, मेरे को लगा कि गिरा है कोई। वैसे भी तीन लोग एलिमिनेट हो गए, चलो तीन लोग एलिमिनेट हो गए, बस एक जन और एलिमिनेट होगा भाई, मेरे को नहीं होना भाई, मेरे को नहीं होना, आ गया अगर आखिरी। अरे चलो गिर गया, गिर गया, गिर गया और क्वालीफाई कर गया भाई मैं। और अभी बस रैंकिंग देखना जाकर के मुझे कितने पे खड़ा गया, वैसे तो पक्का तो हो चुका मैं फेस टू में जा रहा हूँ, तो भाई देखते कितनी रैंकिंग में रखा है मुझे इसने। और आ चुका है यहाँ पर रैंकिंग देखने के लिए आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे को 20-21 पे रखा है भाई, और 160 प्लेयर क्वालीफाई कर सकते हैं, का मजाक चल रहा है भाई। 160 प्लेयर क्वालीफाई करेंगे तो भाई जो 5 या 4 पॉइंट लेकर रखे वो लोग भी क्वालीफाई कर जाएंगे एकदम आराम से। और यहाँ पर कहाँ पे रखा है मुझे देखना पड़ेगा नीचे जाकर, 20वें पे तो दिखा रहा था, और किधर हूँ भाई 17वें नंबर पे हूँ भाई मैं, 17वें नंबर पे तो भाई मैं पक्का क्वालीफाई करगा, और इसने 160 लोग को क्वालीफाई करेगा भाई, मतलब जो लोग भी 4-4 पॉइंट लेकर रखे ना वो लोग भी क्वालीफाई हो सकते हैं इसके अंदर, वो तो वक्त बताएगा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वैसे भाई अब फेस टू में मिलता हूँ आप लोगों को अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है फेस टू का पहला राउंड, और इसमें भाई इसमें भी 8 राउंड है, इसमें भी अगर मैं सिर्फ 2 में एलिमिनेट करके क्वालीफाई करा तो भाई हो जाऊंगा एकदम आराम से, क्योंकि 8 राउंड वाले में यही होता है कि अगर 2 में एलिमिनेट हुए ना तो फिर आराम से क्वालीफाई हो सकता है अगले उसके लिए भी, क्योंकि भाई 6 में क्वालीफाई करके तो कौन एलिमिनेट होगा भाई, 6 में क्वालीफाई करके एलिमिनेट कोई होता है क्या, कोई नहीं होता भाई, सबके साथ क्वालीफाई कर जाते 6 राउंड वाले भी इसके अंदर। तो यहाँ पर अभी और इसने पिछले फेज में ना 160 लोग को क्वालीफाई कराया तो अभी 40-50 तो करेगा, अभी भी 50-60 लोग को रखेगा कि फेज 3 में जाएंगे वो लोग हर ग्रुप से, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर देखना पड़ेगा टूर के बाद कि कितने लोग को रखते हैं, वैसे भी पहला राउंड है इसमें ध्यान से खेलना पड़ेगा मुझे। और अच्छी बात है पंच किक बैन है यहाँ पर, वो सही लग रहा है मेरे को एकदम, क्योंकि भाई जब नया नया मैप आता है ना तो भाई बिना पंच किक के खेलने उसको मज़ा आता है ज़्यादा देर तक का, वैसे भी क्लासिक मैच में तो ज़्यादा देर तक आता नहीं है, कभी कभी आता है कभी कभी, तो भाई मेरे को कल तो एक बार भी नहीं देता मुझे भाई, एक या 2-3 बार ही देता, कुछ बहुत कम बार दिया था इसने, इसलिए भाई मैं टूर्नामेंट खेल के पूरे मज़े ले रहा हूँ इस मैप के। और अभी एक जन एलिमिनेट हुआ यहाँ पर, एक जन एलिमिनेट हुआ और ये भी गिर गया नीचे, और आ रहा है शायद, आ रहा है, चलो आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा वो, टेंशन नहीं उसका। वैसे मैं कहीं के लिए टेंशन ले रहा हूँ, मेरे को दुआ करना चाहिए गिर जाए वो, गिरेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं मैं कहीं के लिए टेंशन ले रहा था उसके लिए। चलो भाई ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आराम से चढ़ जाऊँगा ऊपर, और ईजी भाई ईजी, कोई भी चढ़ जाएगा इसके ऊपर, वहाँ पर गिरना मत भाई, चलो नहीं गिरा, अच्छी बात है, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। और इतनी दूर ब्लॉक देता ना भाई मेरे को चढ़ होती फिर, ए भाई आराम से, आराम से थोड़ा आराम से, उतना दूर मैं नहीं कूदना ना भाई, उतना दूर नहीं कूद के जाऊँगा। अब यार क्या गंदी हरकत कर रहा भाई गेम वाला, उस तरफ जाना ही पड़ेगा, ये क्या कर रहा भाई, मैं मेरे कूदते ब्लॉक निकाल रही है मेरे कूदने के बाद। चलो 4 लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, और यहाँ पर पहला राउंड में क्वालीफाई कर चुका हूँ, बस 7 राउंड बचे अभी इस फेज के अंदर, देखते क्या होगा आगे इस टूर्नामेंट में अभी। और आ चुका है यहाँ पर दूसरा राउंड आ चुका है फेज 2 का, तो इसमें भी भाई मुझे क्वालीफाई करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ये लोग फटाफट से गिरेंगे तो भाई जल्दी क्वालीफाई कर दूंगा, ये लोग गिरते ही नहीं। इसमें पंच का इमोट भी बैन रखा है यार, वैसे पंच का इमोट बैन है तभी तो मैं खेल रहा हूँ, तो भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं रहती सब खेलने की बिना पंच के, पंच के साथ मतलब, क्योंकि मैं सोचता हूँ भाई बिना पंच मार के खेलने अलग ही मजा आते हैं, और अगर कोई भी पंच मारता है उसको पंच मारना और अलग मजा आता है फिर तो। और जब पंच इमोट आता है ना तो भाई कितने दोस्त, कितने लोग ऐसा करते हैं कि भाई दोस्त हैं हम लोग, दोस्ती दोस्ती करके फिर अचानक आकर पंच मारेंगे पीछे से आकर, तो वो ज़्यादा गुस्सा आता है फिर। यहाँ पर अभी कोई ऐसा कर नहीं रहा, वैसे पंच है भी नहीं किसी के पास, यहाँ पर ऊपर आ गया मैं, और आराम से भाई आराम से खेलूंगा आराम से एकदम। ये पहचान लिया मेरे को इसने, नेवन, नेवन नाम, नेवन इंडियन नाम तो नहीं है भाई, इंडियन प्लेयर नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, CPL नेवन, तो भाई थम्सअप दे डालते इसको यहाँ पर। ओ भाई गिर मत, गिर मत, गिर मत। और ये स्किन भाई मेरे को एक नंबर लगती है यहाँ पर, ये बर्से करके स्किन मेरे पास अनलॉक हो चुकी है, थोड़ी देर में इस पर वीडियो बनाकर खेलूंगा मैं जब एपिक स्किन की बारी आएगी तब। तो यहाँ पर अभी चढ़ना है ऊपर, चढ़ना है एकदम ऊपर, चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया आराम से भाई, पहुँच गया इसके ऊपर भी, ईजी भाई, कोई दिक्कत की। अरे अरे भाई 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 डाइव नहीं मारा था ना, अगर सिर्फ चलते रहता लावा के अंदर, ये अचानक में जो मुंह के सामने ब्लॉक उठाता है ना भाई, बहुत चढ़ होती देख के। ए भाई गिर मत। और यहाँ पर अभी भी एक जन एलिमिनेट हुआ भाई, एक भी जन एलिमिनेट हुआ अभी तक का, और मेरे को लग रहा मैं हो जाऊँगा, मेरे को ऐसा फील आ रही पूरी कि मैं एलिमिनेट होने वाला हूँ यहाँ पर। चलो इसके ऊपर कूद गया, अभी आराम से पीछे जाऊँगा भाई, एक जन तो हो जाओ भाई, कोई एक जन तो हो जाओ, ये कसम से भाई अभी क्रैक वाली टायर आने लगेगी, अभी टूटी फूटी टायर आएगी अभी, और कोई भी एलिमिनेट होने का नाम नहीं ले रहा है। और आगे भाई आगे पीछे की तरफ ही आगे, उसके बाद जाना पड़ेगा कूद के। और यहाँ पर पीछे, अरे भाई मेरे पीछे थी, मैं यहाँ पर क्यों कूदा, मेरे पीछे ही थी,
और यहाँ पर एक जन हो गए, दूसरा प्लेयर गिर गया यहाँ पर और मैं भी गिर गया यार। जंप ही नहीं किया इसने यार, जंप कर लिया होता मैं चढ़ गया था उसके ऊपर। और अभी इंतजार करो भाई एक प्लेयर कब गिरेगा, ये लोग कितना लंबा खेल रहे भाई, गिरे था भाई कोई एक प्लेयर तो गिर जाओ। चलो गिर गया शायद, चलो खत्म हो गया राउंड भी हट। और आ चुका यहाँ पर तीसरा राउंड। तो भाई पिछले राउंड में इतनी खतरनाक लॉबी दिया था ना भाई, और वहाँ पर मेरे प्लेयर ने जंप ही नहीं किया एंड में आने के बाद। अगर एक जंप की बटन से दबा दे रहा था भाई मैं भी क्वालिफाई कर गया होता, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं अभी यार राउंड पर ध्यान देते हैं। वैसे भी एक राउंड एलिमिनेट हुआ ना भाई, छः में क्वालिफाई करना मुझे लगातार। और ये गिरते गिरते कैसे बचा भाई, ये कैसे बचा, नहीं बचते भाई ऐसे बचता है नहीं कोई भी भाई, पूरा बाहर आके अंदर आया वो। ये क्या चीटिंग हो रही भाई मेरे साथ, मैं करता था भाई मैं गिर जाता हूँ सीधे जाकर, आता ही नहीं अंदर ये। और ये लोग गया तो ये भाई 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 साहब बाहर जाके अंदर भी आ गए थे आराम से, पता नहीं क्या होता रहता टूर्नामेंट का ना गेम के अंदर क्या चलते रहता। और ये वापस से गिरते गिरते बचा भाई, वो दूसरी बार गिरते गिरते बच रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है भाई, ये वापस से प्रो लॉबी दे दिया गया इसने मुझे। वैसे भी भाई फेज टू में तो ऐसे लोग आएंगे जो लोग फेज वन क्वालिफाई कर गए थे अच्छे से, और फेज वन में भाई 160 प्लेयर को भेजा इसने आगे, मतलब सबको फेंक दिया उठाकर कि भाई जाओ सब लोग जाओ सब। ये धक्का दे रहा है भाई, धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है ये प्लेयर। यहाँ पर अभी उससे बच गया एक जन, चलो एक जन। ए देखो धक्का दे दिया भाई, इसको धक्का दे दिया उसने। ए भाई मैं गिर मत भाई साले भाई, इधर चढ़ सकता है एकदम। देखो भाई सिंगल जंप पे चढ़ रहा भाई, सिंगल जंप पे चढ़ने वाली जगह है वो, लेकिन ये पिसल के गिरा कोने में जाकर, पता नहीं क्या क्या कर क्या होता भाई इसके अंदर कभी कभी। और यहाँ पर चढ़ गया आराम से, दो लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, वो दोनों को उसी ने करा होगा शायद धक्का दे दे के। और तीसरा भी गिरा भाई, तीसरा भी गिरा, बच गया क्या। अरे भाई वहाँ टाइल है यार, मेरे को लगा टाइल नहीं है लेकिन भाई टाइल थी वहाँ पर, बच गया वो। यहाँ पर कूद के आना पड़ेगा पीछे क्योंकि भाई वहीं पर ब्लॉक दे जा रहे हैं आजू बाजू, तो ब्लॉक ही नहीं उठा रहा। और एक जन और गिर जाओ भाई, एक जन और गिर जाओ, कोई दो लोग और गिर जाओ, दो लोग और गिर जाओ, अच्छी बात हो जाएगी कोई। ये चलो दो लोग और गिर गए। और यहाँ पर स्पेशल स्किन वाला एलिमिनेट होगा शायद, देखना पड़ेगा यहाँ पर जाके। और वो अरे भाई वो क्वालिफाई कर गया, चलो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पर तीन राउंड हो चुका है अभी तक, देखते आगे क्या होगा। और आ चुका है यहाँ पर चौथा राउंड, तो भाई इसमें मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अभी भी कितने कितने अभी 5 राउंड बचे हुए टोटल इसको मिला के, तो भाई मेरे को 5 के 5 में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी मैं 7 राउंड क्वालिफाई करके अगले राउंड में जा पाऊंगा। वैसे भी 6 राउंड में तो हो ही जाएंगे क्योंकि भाई ये कितने 8 राउंड होने वाले, तो भाई 6 राउंड क्वालिफाई कर आराम से आ सकते हैं आगे। लेकिन अगर मैं फालतू में यहाँ पर एलिमिनेट हुआ तो भाई अगले राउंड के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए भाई बच कर रहना मेरे को थोड़ा लोग सबसे, धक्का वक्का देकर गिराना दे। और यहाँ पर ये कैप्टन गोल्डन हार्ट बहुत देर के बाद आया भाई, अली स्पेशल स्किन वाले भाई का बचा, ये वहाँ पे ब्लॉक था इसके वजह से बच गया, वो ब्लॉक नहीं रहता भाई सीधा जल गया होता अभी तक, राख राख बन गई हुई थी इसकी हड्डी, लेकिन बच गया वो। यहाँ पर अभी आराम से भाई चढ़ेंगे इसके ऊपर। और ये खेल रहा भाई, सब खेल रहे थे अच्छे से, एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ एक भी जन यहाँ पर। और पहला प्लेयर शायद अभी जाएगा, पहला प्लेयर अभी जाने वाला है, कोई भी नहीं गया, अरे गिर गया भाई पहला प्लेयर गिरा, मेरे को तो लग रहा था गिरने वाला कोई ना कोई, तो भाई और अभी पहला प्लेयर गिर भी गया। और यहाँ पर देखते दूसरा प्लेयर का एलिमिनेट होगा। और ये हड्डी स्टाइल मार रहा है ये हड्डी, हड्डी कैप्टन होल्डन हार्ट स्टाइल मार के खेल रहे, एकदम नीचे आके ऊपर आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कि स्टाइल मार के खेल रहे भाई साहब। और भाई अच्छे से खेल भाई, अच्छे से खेल, थोड़ा चढ़ रहे हैं भाई, चढ़ नहीं हो रहा ऊपर, पीछे जाना पड़ेगा, घूम के आए ऊपर, चलो भाई अच्छी बात है अभी। और यहाँ पर ये हड्डी आ रहा है भाई, हड्डी को हटाओ भाई, हड्डी को हटाओ सामने से, हड्डी गेम ना खराब करते बस आगे अचानक में सामने से। और गिर गया भाई, गिर गया वो हीरो बन रहा था, गिर गया वहाँ पर। और मैं जीत गया अपना कितना, तीन राउंड क्वालिफाई कर गया मैं 4 राउंड खेलकर, बस अभी 4 राउंड और बचे हुए भाई, उसमें भी क्वालिफाई कर जाऊंगा तो और अच्छी बात हो जाएगी आगे। और यहाँ पर आ चुका है ये 5वां राउंड आ चुका है जिसमें मुझे क्वालिफाई करना है, अगर इसमें एलिमिनेट होगा तो भाई फिर ज़्यादा सीरियस मामला हो जाएगा आगे, वो नहीं करना मुझे, मसला सीरियस हो जाएगा अगर इसमें एलिमिनेट हुआ तो। और मैं नहीं चाहता भाई एलिमिनेट हो जाऊँ फिर मैं, तो यहाँ पर आराम से खेलना पड़ेगा आराम से भाई। कहाँ पर, अरे ब्लॉक निकाले हैं फटाफट से, इतना आराम ढिल्ले पने से डायल निकाल रहे हैं, जब ब्लैक वाली डाले थे इतने धड़ाधड़ निकालता, आगे पीछे समझता नहीं किधर कूदने का किधर नहीं कूदने का। और ये तो एकदम आराम आराम से इतना निकालता कि क्या बोले अभी। यहाँ पर अभी किस तरह देखा पीछे की तरफ दिया, वापस पीछे चढ़ जाएंगे एकदम आराम से। और अभी लेफ्ट में गिर मत भाई, क्या कोने से ऊपर आया मैं, वैसे भी गिरता ना तो ऊपर आ ही जाता एकदम आराम से। चलिए भाई क्या वापस से बचा मैं वहाँ पर, एकदम किनारे पर टप्पा खा के ऊपर आया हूँ मैं, और पता नहीं कैसा हुआ ये, लेकिन हो गया, चलो अच्छी बात है हो गया। और यहाँ पर एक भी जन एलिमिनेट हुआ भाई, वापस से प्रो लॉबी दे दिया, ऐसा लग रहा है मुझे वापस से मैं एलिमिनेट होने वाला, ऐसा लग रहा है मुझे फील आ रही है पूरी की पूरी, होना तो नहीं चाहता लेकिन भाई ऐसा लग रहा हो जाऊँगा। और यहाँ पर एक जन जा, चलो भाई एक जन एलिमिनेट वहाँ भी जाकर, और लोग थम्सअप दिखा के खेलने लगी मजा आता है, थम्सअप दिखा दिखा के खेलने का। और भाई तुम लोग वीडियो लाइक कर दो, अगर जो भी लाइक नहीं करा अभी तक लाइक कर दो, अगर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, फटाफट से कर दो 50,000 सब्सक्राइबर करा दो। और यहाँ पर ये लोग धक्कम धुक्की मत दो भाई, धक्कम धुक्की मत करो, चुपचाप से अच्छे से खेलो भाई, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से खेलो सबके सब। और एक जन गिर गया, अरे क्या बचा भाई, क्या बचा वो, क्या सही बचा यार, मेरे को लगा जाएगा लेकिन बच गया। और एक जन, ए भाई मैं गिर गया यार, क्या गलत जगह पे जंप करा मैंने। और आ गया यहाँ पर छठा राउंड आ चुका है, और दो राउंड भाई अभी, तीन राउंड बचे हुए, तीनों में मेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं पिछले राउंड में वही बोल रहा था भाई गेम सीरियस हो जाएगा ज़्यादा, तो भाई सीरियस लेकर खेलना पड़ेगा मुझे। पिछले राउंड में बहुत गंदा गिरा भाई, इतने भीड़ की वजह से एकदम चिपक के गिर गया लोग में से, मैं वैसे पहुंच जाता एकदम आराम से पहुंचने वाला हिस्सा था, पता नहीं कैसे गिर गया वहाँ पर जाके, एकदम बहुत बुरा लगा भाई, सही बता रहा हूँ एकदम।
यहाँ पर ये प्लेयर वापस से जैक स्पैरो आ गया। भाई जैक स्पैरो आ चुके हैं यहाँ पर, गुस्से का मुंह दिखा रहा है ये, गुस्से का मुंह दिखाते हुए। भाई साहब जरा अच्छे से खेलियो भाई, अगर पंच होता ना भाई पंच मार देता उसको। देखो उसको हंसता हुआ मुंह दिखा रहा है, वो गुस्से का मुंह दिखाएगा वापस से चला। अरे देखो ये भी भाई हीरो बन रहा है यहाँ पर आके, स्पेशल स्किन तो हीरो बनेंगे भाई साहब। देखते कितना लंबा खेल पाएंगे ये दोनों, ये दोनों एलिमिनेट हो जाना चाहिए भाई, दोनों एलिमिनेट हो जाना चाहिए राउंड के अंदर। क्यों भाई, जितने ज़्यादा प्लेयर एलिमिनेट होंगे उतना ज़्यादा मेरा फायदा होगा, ताकि मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा अगले फेज के लिए, फेज थ्री के लिए। और वैसे भी इसमें दो राउंड एलिमिनेट होगा, मेरे को तीसरा राउंड इसके अंदर एलिमिनेट नहीं होना। अगर तीसरा राउंड में एलिमिनेट हुआ ना भाई तो खत्म हो जाएगा फिर टूर्नामेंट वाला, क्योंकि मुझे आराम से भाई आराम से। और अभी देखो कैसा पीछे हटता भाई, पीछे कूदता हूँ यहाँ पर मैं, आगे अगर कूदता ना भाई वो धक्का देकर गिरा देते ये लोग। और ये पीछे पीछे क्यों घूम रहा भाई मेरे, यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे भाई। देखो वापस से पीछे आ रहा है एकदम, और इस तरफ चले जाऊँगा आराम से एकदम। इजी भाई, इजी मैप है ये मैप है ना भाई, कुछ भी बोलो एक नंबर मैप बनाई गेम वाले ने, कुछ भी बोलो। तीन महीने जो इंतजार करवाया ना बहुत ख़राब लगा, लेकिन भाई ये मैप एक नंबर बनाया लोग ने। यहाँ पर अभी आराम से कूद के निकलूँगा आगे, और अभी ना भाई हर नया मैप ना अभी चार महीने पर आएगा, चार महीने का गेम इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पर अभी क्रैक टाइल आएगी, लग ही रहा था भाई, अब गिरना मत भाई, गिरना मत प्लीज़, गिरना मत। दो लोग एलिमिनेट हो गए, और तीसरा भी होगा भाई, चौथा भी गिर जाए भाई, कहीं से चौथा भी गिर जाए यार। मेरे को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुआ ना, यहाँ पर अब पीछे की तरफ दिया। चलो भाई और कहाँ दिया अभी, कहाँ है भाई, चलो चौथा प्लेयर गिर गया भाई, चौथा प्लेयर गिर गया वहाँ पर। और यहाँ पर मैं अपना कितना पाँचवा राउंड क्वालीफाई, नहीं कितना भाई देखना पड़ेगा यार, कितना राउंड क्वालीफाई करा अभी, पहले राउंड खत्म होने के बाद देखते क्या होगा। और सातवा राउंड यहाँ पर आ चुका है, तो भाई इसके अंदर क्वालीफाई करने का और आखिरी वाले राउंड में क्वालीफाई करने का, बस दो राउंड में क्वालीफाई करना है मुझे अभी, फिर फेज थ्री पक्का पहुँच जाऊँगा उसके बाद। तो यहाँ पर अभी कहाँ पर, यहाँ पर लेफ्ट में आ गया, चलो भाई यहाँ पर कूद के जाऊँगा भाई। नेट लैग मत खाना प्लीज़ यार, 100 के ऊपर पिंक दिखा रही है अभी मुझे, और इसमें तो पिंक भी दिखती भी नहीं भाई, पिंक भी दिखती नहीं इसके अंदर बराबर से, एकदम लाल लाल में मिक्स हो जाते पूरा कलर में के अंदर। तो यहाँ पर भी आराम से कूद के खेलना पड़ेगा, और पंच तो वैसे भी है नहीं भाई, पंच तो वैसे भी है नहीं, तो उसे डरने की बात ही नहीं, आराम से कोई धक्का ना देते, बस उसी बात कर क्या धक्कम धुक्की कर रहे भाई, ये लोग हट जाए सामने से। आराम से भाई इसके ऊपर चढ़ेंगे आराम से एकदम, और अभी पीछे इसके ऊपर, और रो क्यों रहा भाई, रो कोई मार नहीं ना भाई, रो मत, कोई मारेगा नहीं तुझे, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा भाई, और कोई गुस्सा का मुँह दिखा रहा है अपने गुस्से का, और कोई हंस रहा है वहाँ पर, हाँ हाँ लिख रहा है वो। चलो भाई अभी तक एक भी जन एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक का भाई, प्लीज़ इसके अंदर ना फटाक से चार लोग एलिमिनेट हो जाओ, ताकि मैं क्वालीफाई कर जाऊँ यार, ताकि मैं क्वालीफाई कर जाऊँ एकदम सीधी से बात है। सातवां राउंड है ये, और मुझे कैसे भी करके ना भाई दोनों राउंड निकाल। चलो एक जन गिर गया, एक जन गिरा यहाँ पर, दिखा नहीं लेकिन भाई एलिमिनेट ऐसे लिख के आया ऊपर, यहाँ पैसे बन के आ गया कि एक जन एलिमिनेट हो चुका है। और उसमें से अगर नाम लिखा था ना भाई कि एलिमिनेट हो गया, वो एलिमिनेट हो, तो भाई क्या सही लगता देखने में कि नाम भी लिखा था साइड में कि ये प्लेयर एलिमिनेट हुआ, कैसे एलिमिनेट हुआ, गिर के एलिमिनेट हुआ कैसे हुआ, वो भी दिखाता ना भाई सही लगता है। वैसे तो गिर के ही होगा, कुछ और तो होगा नहीं। और भाई पीछे आना पड़ेगा मुझे, पीछे के आगे की तरफ कूदना पड़ेगा, मैं सोच रहा था मेरे बाजू बाजू निकलेगा तो उस पर चढ़ जाऊँगा, लेकिन भाई इतना ऊंचा निकल के बाजू में, और यहाँ पर भी सामने कूदना पड़ेगा, पीछे के मतलब नहीं है। ए गिर मत भाई, गिर मत यार, क्या सही टाइम पर खड़ा हुआ ये, क्या सही टाइम पर खड़े हुआ है। अभी आराम से पीछे जाऊँगा, और बस एक दिन गिर जा भाई, ये हड्डी गिर गया भाई, हड्डी गिर गया, अच्छी बात है। चलो भाई सातवां राउंड भी क्वालीफाई कर गया मैं, बस एक राउंड और क्वालीफाई करना भाई, एक राउंड और क्वालीफाई कर लूँगा, फिर भाई फेज थ्री में चल जाऊँगा मैं पक्के एकदम, देखते भाई क्या होगा आगे अभी। और आ चुका यहाँ पर आठवां राउंड स्टार्ट हो चुका है फेज टू का, तो इसमें भाई क्वालीफाई करना है कैसे भी करके, नहीं तो भाई अगर यहाँ पर आके एलिमिनेट होना भाई फिर पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा मेरा एकदम, एंड में आके एलिमिनेट तो होना नहीं भाई मेरे को, कैसे भी करके क्वालीफाई करना। और उसके अंदर भाई ये दो लोग हैं ना स्पेशल स्किन वाले, बहुत भारी खेलने वाले से लग रहा है। अरे भाई गिरने वाला भाई, ये तो गिरने ही वाला था अभी, अब इसको मैं भारी बोलना ना, ये गिर के दिखा रहा था मुझे, तो यहाँ पर अभी इससे बच के खेलना पड़ेगा। ये धक्का ना दे दे भाई, धक्का ना दे दे, डर तो लगता है भाई, ये धक्का दे देगा तो कोई गेम खराब हो जाएगा अपना। यहाँ पर आराम से दूर रहो भाई, लोग से दूर रहो, जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहेंगे, अच्छा रहेगा अपने लिए। और क्या चिपक के खेल रहे सब लोग बीच में, यहाँ पे थम्सअप दिखा रहा भाई, थम्सअप वो सब दिखा के मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कौन कब धक्का दे दे, किसका गेम दिमाग कब खराब हो जाएगा, कुछ उंगली कर दे आकर। और कर क्या रहा भाई, एक जन कैसे आर पार होकर गिरा भाई, ज़मीन का आर पार हो गया वो, उसका प्लेयर फ्लोर के आर पार हो गया पूरा, और गिरा ये स्टंट मार रहा, देखो भाई स्टंट मार रहा, क्या नाम है इसका, एक रिहान, रिहान वाइटी है, देखो क्या, अरे भाई क्या खेल रहा, देखो वो नीचे से ऊपर आके दिखा रहा है पूरा, एक गिर गया भाई लावे में, गिर गया यार लावे में गिर गया, स्टंट मार के दिखा रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था बार बार, और लावे में गिरा सीधा। और दो लोग यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, बस दो लोग और बचे एलिमिनेट हो जाएंगे ना भाई, अपना मेरा काम आसान हो जाएगा एकदम, दो ही लोग बचे भाई, दो लोग और एलिमिनेट हो जाएगा फटाफट से। यहाँ पर हम लोग छः, एक गिर मत भाई, गिर मत, अच्छी बात ही नहीं गिरा। और तीसरा भी गिर गया भाई, तीसरा भी गिर गया यहाँ पर, और एक ही स्पेशल स्किन वाला बचा, वो भी गिर जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी एकदम, वो गिरने ही, अरे भाई अरे ओ, चलो भाई चौथा प्लेयर भी गिर गया यहाँ पर, मैं छः राउंड क्वालीफाई कर गया भाई, बस दो राउंड में हार रहा, छः राउंड क्वालीफाई कर गया भाई। रैंकिंग देखता हूँ कितने पर रखा है मेरे को, अभी जाकर देखता हूँ अभी फटाक से, तो अभी रैंकिंग में देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या बता रहा है ये। और 32 प्लेयर क्वालीफाई करेंगे, मैं 45 नंबर पे हूँ, क्या बात कर रहा है भाई, ये क्या फालतू साले कर रहा है यार, कैसे 32 प्लेयर, पहले फेज में 160 प्लेयर क्वालीफाई करा दिया इसने, सेकंड फेज में 32 प्लेयर बस, और 6 राउंड क्वालीफाई करके भाई मेरे को 45 नंबर पे फेंक दिया इसने, पता नहीं काहे के दुश्मन निकालता है। वैसे भी अभी 20 मिनट बाकी है, तो पहले यहाँ पर आके देखता हूँ सही में 45 नंबर पर रखा है कि, इसलिए लिखा था वहाँ पर, मैच ने काउंट किया था। और अभी 19 नंबर पे हूँ भाई, 19वें नंबर पे हूँ मैं,
ये क्या फालतू 45 बोला था। देखो भाई 5 राउंड जीतना ले, पीछे बैठे यहाँ पर मैं 6 राउंड जीता तो भाई मैं पक्का क्वालिफाई हो जाऊंगा अभी। और 19 नंबर पर देखते भाई क्या होता है यहाँ पर 20 मिनट के बाद, देखता हूँ रिटर्न अगर क्या चल रहा है यहाँ पर। 20 मिनट्स लेटर। तो गाइस यहाँ पर अभी 20 मिनट निकल चुके हैं और 20 मिनट में ना बीच में जाके चेक कर रहा था कि क्या चल रहा है। अभी मुझे इसने 34 में फेंक दिया भाई, पहले 19 पे रखा था, फिर 21 पे करा, फिर 25 पे करा, फिर 28 पे करा, फिर 31 पे करके फिर 34 पे फेंक दिया लाके। यार मतलब 6 मैच जीतने का कुछ फायदा हुआ नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर देखो भाई कितने 538 की पोजीशन रखा है मेरी, और मेरे को भाई सिर्फ 85 जेम्स मिलेंगे इसमें अंदर, मतलब 50 भी ज़्यादा ही है। लेकिन भाई 6 मैच क्वालिफाई करने के बावजूद भी देखो भाई 34 नंबर पर फेंक दिया मेरे को इसने। यार इतना अच्छा मैं बैठा था यार 19वें नंबर पर, देखो इतने सारे प्लेयर लोग हैं जो 6-6 मैच क्वालिफाई करे हुए, और ये कौन पता नहीं क्या रैंकिंग कौन सेट करा इसकी कि पहले फेज के अंदर 160 प्लेयर क्वालिफाई करके दूसरे में सिर्फ 32 प्लेयर क्वालिफाई करेंगे। भाई क्या चल क्या रहा है टूर्नामेंट के अंदर, ये फालतू बांस के ना कुछ भी बनाता है यार, उसको बोलते टूर्नामेंट बनाने के लिए कभी अच्छा बनाता नहीं कुछ भी, वो कुछ ना कुछ रैंकिंग में उंगली कर देता हर बार, इस बार भी उसने यही करा भाई। और पता नहीं ये सेम पॉइंट वाले को कब लोग सही करेंगे, कि जिसके भी पॉइंट सेम रहेंगे वो लगा कब सही होगा, पता नहीं क्या कर रहे भाई लोग। जो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है यहाँ पर भाई, एकदम बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गंदे तरीके से मेरे को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं लोग ने। तो गाइस आज के लिए बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।